नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉगिन आईडी के बारे में, कि किस प्रकार से आपने एचपी पीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर लोक सेवा आयोग के जितने भी फॉर्म आपने आगे फिल करने हैं उसके लिए न्यू जो आईडी को किस प्रकार से आपने क्रिएट करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम आगे होने हैं, जो हो रहे हैं, इनकी नई आईडी अब बनेगी। आपकी जो ऑलरेडी पुरानी आईडी थी उसको बंद करके अब आपके सारे जो फॉर्म, आपका रिजल्ट स्टेटस, सब कुछ आपको नई आईडी में मिलेगा। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी इन चीज़ों के बारे में कि किस प्रकार से आईडी को बनाया जाएगा, कहां से इसका लिंक मिलेगा, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो बहुत कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा, आप लेक्चर में बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपने आना है अपने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहली बात आप इसमें नोट कर लें, आप इस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं किसी भी तरह से, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फिर कुछ अन्य जो भी साधन हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से इस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा नीचे अप्लाई ऑनलाइन का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं एच पी पी एस सी ओल्ड वेबसाइट या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे इसको क्लिक करूँगा। जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास एक नोटिस आ जाता है कि द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑन एच पी पी एस सी ओल्ड वेबसाइट बिफोर 20 जून 2020, उनको एडवाइज़ किया जाता है कि वो विजिट करें http://www.hppsc.hp.gov.in। इस तरह से आपके पास एक जो लिंक आपके पास आएगा, आपको इसी लिंक पे आगे अपनी जो नई आईडी बनानी पड़ेगी, उसी में ही आपका जो एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन स्टेटस और पर्सनैलिटी टेस्ट मिलेगा। हम ऑलरेडी इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें न्यू, अगर हम नई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के पास, वहीं पे हमें लिंक मिल जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन की एक इंस्ट्रक्शन की पूरी लिस्ट आ जाती है। सबसे पहले आपने इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखना है, जिसमें लिखा है कि बाय रजिस्टरिंग ऑन दी वेबसाइट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आई एग्री टू अवॉइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द यूसेज ऑफ दिस वेबसाइट सेट बाय द कमीशन। इसमें टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, आप इन कंडीशंस को पहले अच्छे से पढ़ लें। तो जैसे ही आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने सबसे पहले, आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में ही जो एक्टिवेशन लिंक आपको आएगा, एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको इसमें डालना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी आईडी आगे प्रोसीड होगी। उसको मैं पूरे डेमो के साथ आपको बता दूंगा। आपके पास मैंने बता दिया ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन, उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा और आगे जो सिक्योरिटी की, इन सभी को फिल करने के बाद, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद, फिर आप आगे अपना जो फॉर्म फिल करेंगे। मैं इस पूरी प्रोसेस को खुद डेमो से करके दिखाऊंगा, वो आपको आगे मिल जाएगा। तो अब आगे चलते हैं पूरी इस डेमो प्रोसेस के ऊपर कि किस प्रकार से आईडी को बनाया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाते ही सबसे पहले हमने इसमें जो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को इसमें फिल करना है। जैसे हम इसमें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को फिल करते हैं, उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होगा उसको भी आपने इसमें फिल करना है। आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में, उस क्वेश्चन को आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन को चूज करके और उसका जो सिक्योरिटी आंसर इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, आगे आप इसमें फिल करेंगे पासवर्ड को। पासवर्ड आपके पास मिनिमम 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले एक जो वर्ड होगा, कम से कम एक वर्ड इसमें अपर केस का होना चाहिए, इट मीन्स कि कैपिटल लेटर में एक वर्ड होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक शब्द इसमें लोअर केसेस में भी होना चाहिए, कोई भी लेटर आप इसमें लोअर केस में एक होना कंपलसरी है। उसके बाद वन वर्ड आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू में होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 करके कोई भी आपके पास वैल्यू इसमें रहनी चाहिए। फोर्थ, इसमें जो एक स्पेशल करेक्टर आपका इसमें होना चाहिए, तभी उसके बाद आपके जो पासवर्ड इसमें सेट हो जाएगा और कन्फर्म कर देना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी की है, जो भी ऑप्शन है आपके पास, उसको फिल करके इसमें रजिस्टर
कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड कर लेते हैं, उसके पास आपके बाद पास जो सिक्योरिटी की होगी, आपके पास जो भी शब्द है उसको फिल करना है और एग्री कर लेना है टर्म एंड कंडीशन को, फिर इसको रजिस्टर कर देना है। आपके पास इस तरह का जो एक पोस्टर आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर विद द फॉलोइंग डिटेल्स, जो ईमेल आईडी है आपकी और जो कंफर्म मोबाइल नंबर है। अगर आपका ये सब कुछ सही है तो आपने इसमें कंफर्म या फिर यस कर देना है। आप इसको यस कर देते हैं, आप कम्प्लीटली इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपको दिखेगा कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपको कहा जाएगा जो भी ईमेल आईडी आपकी है उसको आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगा उस ईमेल आईडी के ऊपर, और एक ओटीपी भी आपको एक मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने अब जाना है अपनी ईमेल आईडी पे। जैसे ही आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आते हैं, आपको एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक आपको लिंक मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्रोम ब्राउज़र फिर से एक्टिवेट करना है। ईमेल आईडी के एक्टिवेशन लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपने इसमें ऐड करना है। जैसे आप इसको ओटीपी लगा देते हैं तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपने सेव रखना है। जैसे आगे हम साइन इन करेंगे तो वहाँ पे वो रजिस्टर ईमेल और जो हमने पासवर्ड डाला है वो लगेगा। तो हम अब आते हैं अपने साइन इन पे। तो आपके पास जैसे ही रजिस्टर ईमेल आईडी और आपके पासवर्ड आ जाएगा तो फिर आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा, यही जहाँ हम ऑलरेडी थे। फिर ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे ना जाके अब आगे नीचे जाएंगे आप, जिसमें ऑप्शन होगा रजिस्टर्ड एप्लीकेंट साइन इन। अब आपने साइन इन करना है, यूज़र आईडी की जगह पे आप डालेंगे जो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, और पासवर्ड की जगह आप डालेंगे जो आपने पासवर्ड रखा होगा। उस पासवर्ड और जो आईडी को आपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव करना है, क्योंकि आगे अब जो सारा काम होगा वो आपका इसी आईडी पासवर्ड पे ही होगा। तो इसलिए अब आप इस आईडी पासवर्ड को अच्छे से सेव रखेंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है, कैप्चा कोड डालने के बाद फिर इसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन जैसे आप करते हैं फिर आपको आगे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह का जो पोर्शन दिखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले आपने एप्लीकेंट का नेम, जो भी नेम है आपका वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी। जो डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट पे है वही डेट ऑफ बर्थ इसमें रहेगी। उसके बाद आगे हम इसमें जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फादर नेम को आप इसमें फिल करेंगे, मदर नेम जो भी होगा उसको फिल करेंगे। उसके बाद अपने जो मैरिटल जो स्टेटस है, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे टिक करें, मैरिड है तो मैरिड पे, डाइवोर्स्ड है तो डाइवोर्स्ड पे, इसमें अगर आप अनमैरिड है तो। फिर आप इसमें भरेंगे आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका कोई भी फेस में या फिर बॉडी में कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको आप इसमें फिल कर लेंगे। फिर आपके पास आएगा कि जो लिस्ट, जिस भी लिस्ट से आप बिलोंग करते हैं, सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश के अगर स्थायी निवासी हैं तो आपने डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश पे टिक करना है। उसके बाद अगर आप बोनोफाइड हिमाचली हैं इस पर भी आपका टिक रहेगा। 10th और प्लस 2 अगर पास की है आपने हिमाचल प्रदेश के स्कूल से ही तो उस पर भी आपका टिक रहेगा। अगर आप इनमें से किसी भी जगह पे आपकी जो लिस्ट में कोई भी बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका नन ऑफ दीज इसमें रहेगा। फिर आपसे स्टेट के बारे में पूछा होगा, हिमाचल प्रदेश के अलावा आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आप इसमें अदर, नन ऑफ दीज के बाद आपके वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास कैटेगरी क्लेम करने के लिए आएगा, आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं। केयरफुली कैटेगरी को आप क्लेम करें। फिर जो सब कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी को भी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही चूज़ करें केयरफुली। फिर आगे हम इसमें अगर देखें, फिर नेशनलिटी की बात आती है, नेशनलिटी तो इंडियन ही रहेगी इसमें। रिलीजन भी आपसे पूछा है, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसको आप इसमें डाल सकते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप से अगर आप हैं तो आप माइनॉरिटी में यस और नो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हैं जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, तो आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो रजिस्टर्ड अगर है तो आपने उसको यस करना है। फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, वो आपने उसमें अपलोड कर देना है।
जैसे ही आप सभी इन जो डॉक्यूमेंट को फिल कर लेते हैं, आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा सबमिशन का, आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही वो सबमिट हो जाता है, आप जो दूसरे नंबर के इस प्रोसीजर पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें जो मैंडेटरी फील्ड पे ऑलरेडी आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, अल्टरनेट जो ईमेल आईडी आपको उसमें डालनी पड़ेगी, आप इसको फिल करेंगे। इसमें कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका रहेगा उसको भी आप फिल करेंगे। फिर पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस के साथ सेम है तो आपने जस्ट सेम एज एवव के पास ही क्लिक करना है। अगर जो परमानेंट एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप उस एड्रेस को भी पूरा फिल करेंगे, फिर उसको बाद आप आगे इसको जो सबमिट करेंगे। तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपने उसको क्रोनोलॉजिकली डालना है। उसमें सबसे पहले 10th की जो क्वालिफिकेशन की स्पेशलाइजेशन, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन का नाम, सब्जेक्ट जो भी आपने जिस सब्जेक्ट में आपने 10th की है उसका नाम। उसके बाद आप इसमें जो रिज़ल्ट स्टेटस, कब ये आपकी 10th पास हुई है और कितने परसेंट में आपकी ये 10th हुई है। सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट के ऊपर आपका एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उस सर्टिफिकेट नंबर को आपने इसमें फिल करना है। और उसी मार्कशीट पे नीचे की साइड आपके पास एक सर्टिफिकेट इशू करने का जो नंबर होता है वो भी आपने इसमें फिल करना है। उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं 10th की हो गई क्रोनोलॉजिकली, प्लस टू की सेम प्रोसीजर वही रहेगा। इसमें आपने इंस्टीट्यूशन नेम, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल होंगे, जो रिज़ल्ट आपका स्टेटस, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू, फिर आपके पास जो ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री, बीए, बीएससी जो भी है, आप इसको उसी तरह से फिल करेंगे क्रोनोलॉजिकली। इसके बाद अगर आपने कोई भी अदर जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है उसको आप अपडेट या फिर इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें डायरेक्ट नेक्स्ट में चले जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट में जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा इमेज को अपलोड करने का, आपने अब इमेज को अपलोड करना है। इसमें सबसे पहले आपने जो नोट दिया है इसमें कि जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड इज़ अपलोड द इमेजेस ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ आपके होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद इमेज, जो भी आपने इमेज इसमें फिल करनी है वो JPG फॉर्म में होनी चाहिए या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में ही होगी। द फोटो ऑफ कैंडिडेट शुड विदाउट कैप और जो गॉगल, जो भी आपका फ़ोटो होगा उसमें विदाउट कैप, गॉगल या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें अलाउड नहीं की जाएगी। सबसे पहले आपने इसमें इमेज या फिर फोटोग्राफ को फिल करना है जो सिर्फ आपकी JPG, PNG या फिर JEPG फॉर्मेट में ही होगी। उसी प्रकार जो सिग्नेचर भी आपने वैसे ही फिल करने हैं। मैं ऑलरेडी इसमें इसको फिल कर चुका हूँ, आपने जो लेटेस्ट फ़ोटो का कॉपी होगी आपकी उसमें इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट का, आपने नेक्स्ट जो पॉइंट पे पहुंचना है उसमें वर्क एक्सपीरियंस के पास। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको आप लिख सकते हैं, उसकी जो सर्टिफिकेट होगा उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसमें नो करता हूं, मैं आगे डायरेक्ट आता हूं सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं तो जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसको, उसके डॉक्यूमेंट मैंने अब अपलोड करने हैं। इफ़ यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक ही जो क्वालिफिकेशन के अदर डॉक्यूमेंट है, आपने उसको PDF फॉर्म में, सभी डॉक्यूमेंट की एक ही PDF में आपको अपलोड करने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड, स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए PDF फॉर्म में ही। सबसे पहले जो 10th का जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी हमने फिल कर चुके हैं, फिर उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, PDF आपकी बनी होनी चाहिए, फुल PDF ये होगी, स्कैन डॉक्यूमेंट होंगे, फिर इसमें आपने इसको अपलोड कर लेना है। मैं इसमें डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, साइज़ के बारे में आपके पास ऑलरेडी दिया होगा, इसका कितना साइज़ इस PDF का होना चाहिए, एक्सेस भी PDF का साइज़ नहीं होना चाहिए, अगर एक्सेस में कोई PDF आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार आप क्रोनोलॉजिकली इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसको अपलोड कर सकते हैं, पहले 10th का, फिर आप 12th की, फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन या फिर अदर इक्विवेलेंट को उसमें अपलोड बारी बारी से कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का जो फॉर्मेट दिखने को मिलेगा, लास्ट में आपके पास पूरा ही इस प्रकार का होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने फिर आगे का काम करना है। अब तो जैसे ही मैं इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूं,
तो मेरी जो प्रोफाइल है 100% इसमें कंप्लीट हुई होगी। उसमें ऊपर आपको लिखा है 100% ऑफ योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड, कि आपकी जो प्रोफाइल 100% कंप्लीट। तो जैसे ही हम सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं, हम दोबारा से लॉग इन उसमें हो जाते हैं, तो हमारी पूरी जो डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हमने देखना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एट प्रेजेंट में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो आई है वो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रिलेटेड। इसमें हम देख सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई के लिए। क्लोजिंग डेट और फी क्लोजिंग डेट के बारे में आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया गया है, तो आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म आ जाता है। सबसे पहले आपने करना है जो सर्विस को चूज़, कि किस किस सर्विस के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए या फिर किस डिपार्टमेंट के लिए आपने प्रायोरिटी देनी है। इसमें सारी अगर बात करें तो सर्विस सारी क्लिक होगी, प्रायोरिटी की बात इसमें देते हैं। अगर आप HAS को पहली प्रायोरिटी देते हैं तो फिर आपको पहली नंबर पे इसको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रायोरिटीज पे सेकंड पोजीशन पे दूंगा HPS को, तो दूसरे नंबर पे। उसके बाद मेरी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी कोऑपरेशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोलर में से एक, तो मैं थर्ड प्रायोरिटी दूंगा इसे। उसके बाद अगर फोर्थ प्रायोरिटी की बात करूं, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार को फोर्थ प्रायोरिटी पे रखूंगा और तहसीलदार की जो पोस्ट है उस पर मैं फिफ्थ प्रायोरिटी पे रखूंगा। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म वेरियस डिपार्टमेंट के लिए इसमें ऑलरेडी फिल होता है, अब आपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए प्रेफरेंस देनी है, तो सबसे पहले मैं अपनी प्रेफरेंस, तो इसमें आप अपने एरिया वाइज प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो मैं इसमें पहली मंडी देता हूँ। सेकंड प्रेफरेंस की बात करें तो आप सेकंड प्रेफरेंस भी देख सकते हैं जो आपकी और नज़दीक है, तो मैं उसमें सुंदरनगर देता हूँ। थर्ड प्रेफरेंस इसमें मेरी रहती है बिलासपुर, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसके बाद आपको आएगा नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड, कि अभी तक आपने कितने चांसेस दे चुके हैं। तो मैं इसमें अपने हिसाब से जितने आपके चांसेस हो चुके हैं उतने चांसेस आपको यहाँ भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा जो है उसको आप केयरफुली चूज़ करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने चूज़ कर दिया तो उसके बाद कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैंने इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ किया है। आपने काफ़ी केयरफुली इसको चूज़ करना है क्योंकि चेंजिंग इसमें नहीं होगी। उसके बाद इसमें आप आगे देख सकते हैं जो डिटेल आपने पहले ऑलरेडी फिल कर चुकी है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, तो आपने इसको एडिट करना है या फिर कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप यहीं पर एडिट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये सभी डॉक्यूमेंट आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके, तो ये इसकी डिटेल भी आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास कोई अदर जो मैंडेटरी इन सब्जेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस पर नो ऑप्शन कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड डेवर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, कि आपको इससे पहले कहीं ऐसे डिस्क्वालीफाई एग्ज़ाम से किया गया हो या इस तरह का कुछ अगर आपका है तो आप अपने हिसाब से यस या फिर नो कर सकते हैं, तो मैं इसमें नो करूँगा। उसके बाद आपने डिक्लेयर करना है, इसमें पूरा लिखा होगा कि मैं जितनी भी मैंने सभी जो टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ा है, मैंने अपने फॉर्म को पूरी तरह से केयरफुली भर लिया है, तो उसको मैं क्लिक करूँगा। ये क्लिक हो जाएगा, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक दिखेगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ स्क्रॉल डाउन अप टू लास्ट पेज डॉक्यूमेंट एंड एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग। इसमें आपने जो भी अंडरटेकिंग है उसको एक्सेप्ट करना है, तो फिर आपकी आगे जाएगी प्रोसीड होगा। ये आपका आगे प्रोसीड हो गया है, तो अब आपने इसमें सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसीड करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी एडिट या फिर चेंजिंग इसमें नहीं होगी। अगर आपको आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो इसमें यस कर दीजिए, आपका जो फॉर्म सबमिट पूरी तरह से हो जाएगा। डायरेक्ट आप फिर पेमेंट के लिए, फी जो भी होगी आपकी कैटेगरी वाइज, वो पेमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको भी सबमिट
कर देना है। यहाँ भी आपसे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी यस करेंगे। फिर जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उस तरह से पेमेंट इसमें कर सकते हैं, पेमेंट मोड या फिर ई बैंकिंग के थ्रू या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। इसमें मैं ई बैंकिंग के थ्रू या फिर मैनुअली इसमें ई बैंकिंग को चूज़ करूँगा। तो सबसे पहले अपने बैंक को चूज़ करना है, मैं यहाँ पे बैंक को अपने हिसाब से चूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पे, इसको आपने इसमें फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप इस पेमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। तो पेमेंट में आगे बढ़ते ही आपको इस प्रकार का कुछ एक दिखेगा कि आप SBI नेट बैंकिंग से या फिर अदर बैंक से या फिर किसी अदर बैंक से कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो नेट बैंकिंग को लूँगा, नेट बैंकिंग में अपने हिसाब से मैं इसको इसमें फिल कर दूँगा, लॉगिन हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी फ़ी सबमिट हो जाती है, कुछ टाइम बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ़ी पेड। जैसे ही आप होम पे आ जाते हैं तो आपके पास नीचे एप्लीकेशन स्टेटस होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है उसकी पूरी डिटेल एक PDF फॉर्म के रूप में आ जाएगी। इसको आप इसका प्रिंटआउट निकाल के अपने पास भी रख सकते हैं या फिर इसका PDF आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें टोटल जो जो आपकी फी पेमेंट और फिर फॉर्म सब कुछ इसमें डिटेल होगी। ये थी इस फॉर्म को फिल करने की पूरी प्रोसीजर या फिर पूरी प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इसमें क्वेरीज होगी या फिर कुछ कमियां लगी होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो उस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।